So in this session, we are going to understand the concept of event handling using SWAGs. So before proceeding, let's understand some terminology which we are going to use again and again. Terminology means action listener, event handling, event handler. ये बार-बार आएंगे आएंगे. So ये होती है, उसको पहले समझते हैं. The first thing is what exactly an event is. So change in the state of an object is called as event. Basically, your event describes that a change in the state of the source has been occurred. कि let's say button है और उस पर आपने एक event बना दिया. जैसे उस button पे click करेंगे, that button is performing something. ठीक है? So basically, events are generated as a result of user interaction with graphical user interface component. When user are going to interact with your GUI based component, that is called an event. GUI मतलब इस button पे click कर रहा है, इस button पे click कर रहा है, या labels पे click कर रहा है. इससे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो दैट क्लिकिंग ऑन अ बटन इज कॉल्ड एज इवेंट. मूविंग द माउस इज एन इवेंट. एंटरिंग अ करेक्टर थ्रू कीबोर्ड इज एन इवेंट. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स ऑफ एन इवेंट. सो कॉमन डेफिनेशन इसकी यही रहेगी दैट चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इन इवेंट हैंडलिंग इज. इवेंट समझ में आपको क्या होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग. Basically, this event handling is the mechanism that controls the event and decide what should happen if an event occurs. Let's say आपने एक बटन से इवेंट लगा रखा है, बट उसके इवेंट के क्लिक पे परफॉर्म क्या होना चाहिए, ये क्या आउटपुट आना चाहिए, कोई पेज खुलना चाहिए, एडिशन होनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका इवेंट हैंडलिंग. दिस इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म हैज अ कोड विच इज नोन एज इवेंट हैंडलर. ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी बटन पे इवेंट लगा रहे हो तो उसके क्लिक पे आप चाह रहे हो कि एडिशन हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपने कोड भी लिख रखा होगा कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो एडिशन हो जाए, अगर इस बटन पे क्लिक हो तो नया पेज खुल जाए. सो बेसिकली उस कोड को हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर. जो कोड आप एग्जीक्यूट करोगे इस बटन की कोडिंग के पीछे, उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट हैंडलर. और ये इवेंट हैंडलर कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई इवेंट अकर होगा. Means when user going to click on this button, your event handler will start working. Okay. Basically, Java uses the delegation event model to handle the events. अभी Java ये जो है delegation event model ये होता क्या है? This model defines the standard mechanism to generate and handle the events. ये delegation event model क्या बताता है? How you can generate and handle the event. कि किस तरीके से आप इवेंट बना सकते हो, किस तरीके से अगर इवेंट अगर होता है तो उसको हैंडल कर सकते हो. सो बेसिकली दिस डेलीगेशन इवेंट मॉडल हैज टू कॉम्पोनेंट्स. वन इज अ सोर्स एंड द सेकेंड वन इज लिसनर. सोर्स क्या होता है? बेसिकली द सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इवेंट अकर. जिस एग्जाम्पल लो कि आप एक बटन पर इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो ये बटन क्या बन जाएगा, मेरा सोर्स. ये बटन क्या हो जाएगा, मेरा सोर्स, क्योंकि इस बटन पर मैं इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कराना चाहता हूँ. देन वी हैव अ लिसनर. दिस लिसनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवेंट हैंडलर. सो दिस लिसनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स टू एन इवेंट. लिसनर क्या बताएगा कि अगर यूजर ने इस बटन पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद क्या परफॉर्म होना चाहिए, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कौन बताएगा आपको, लिसनर. दिस लिसनर वेट्स टिल इट रिसीव्स एन इवेंट. ये आपका लिसनर कब तक वेट करेगा, जब तक इस पर एक इवेंट नहीं मिल जाएगा. ये नहीं कि आपने प्रोग्राम रन किया और रन होते ही आपका लिसनर कॉल हो गया, नहीं. जब तक यूजर किसी बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक ये लिसनर एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दिस लिसनर विल गोइंग टू वेट अंटिल इट रिसीव्स एन इवेंट. अगर इस पर एक बार इवेंट मिल गया, देन द लिसनर प्रोसेसेस द इवेंट एंड देन रिटर्न. कि इस बटन पे जो भी आपने कोड किया होगा एग्जीक्यूट, उस पर करेगा एग्जीक्यूट और आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा. इसके बाद वी हैव अ जावा एक्शन लिसनर इंटरफेस. ओके, किसी भी इवेंट हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करेंगे, जावा एक्शन लिसनर इंटरफेस. तो समझते हैं कि जावा एक्शन लिसनर इंटरफेस क्या होता है. बेसिकली इट इज नोटिफाइड व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन और मेन्यू आइटम. जावा एक्शन लिसनर इंटरफेस, लेट्स से जैसे ही आपने किसी बटन पर क्लिक किया तो ये नोटिफाइड हो जाएगा. नोटिफाइड से क्या होगा, नोटिफाइड से ये पता लग जाएगा कि इस बटन पे ना यूजर ने कुछ कोडिंग लगा रखी है और कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहता है. आप यहाँ पर देखना, दिस एक्शन लिसनर इंटरफेस हैज अ मेथड.
और ये एक्चुअल लिसनर इंटरफेस सबसे पहले कौन से पैकेज के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, java.awt.eval. अगर आप विदाउट दिस पैकेज ट्राई टू कॉल दिस एक्शन लिसनर इंटरफेस तो आपको रेड मार्क आ जाएगा क्योंकि इसका इसका पैकेज नहीं मिला. सो बेसिकली दिस एक्शन लिसनर इवेंट हैज अ मेथड. कौन सा मेथड होता है आप इन दोनों का मैं मीनिंग बताता हूँ कि लिस्ट एक्शन लिसनर इंटरफेस ये सुन लेगा कि इस बटन पे आपने कोई एक्शन लगाया हुआ है. अंडरस्टूड. अब उसके बाद एक्शन कहाँ पर परफॉर्म करोगे, विद इन दिस एक्शन परफॉर्म मेथड. सो दिस एक्शन परफॉर्म मेथड इज इन्वॉक ऑटोमेटिकली व्हेन एवर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड कॉम्पोनेंट. रजिस्टर्ड कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये सोर्स. जैसे ही आप करोगे इस पर क्लिक आपका एक्शन लिसनर हो जाएगा एग्जीक्यूट. और एक्शन लिसनर किस वाले मैथड को कॉल करेगा, एक्शन परफॉर्म मैथड को. सो अभी मैंने जितनी भी ये थ्योरी बताई है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो इस एग्जाम्पल में एक सिंपल कैलकुलेटर बना के देखेंगे यूजिंग स्वेक्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ फ्रेम. पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक फ्रेम बनाने का. सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फ्रेम. और पहले स्विंग्स में वर्क करने से पहले अब मेरे को एक पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ता है. इंपोर्ट जेवेक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार. इसके बाद एक और पैकेज मेरे को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार फॉर परफॉर्मिंग इवेंट हैंडलिंग. दिस इज फॉर माई स्विंग एंड दिस इज फॉर माई इवेंट हैंडलिंग. ये मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बताया था कि दैट दिस एक्शन लिस्टर इंटरफेस इज फाउंड इन जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट पैकेज. सो दैट्स व्हाई हियर आई एम इम्पोर्टिंग दिस पैकेज. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई कंस्ट्रक्टर. किसका यूज करके बनाऊंगा मैं स्विंग्स, यूजिंग कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, सेम एज अ क्लास नेम. सो द नेम ऑफ माई क्लास इज स्विंग. अब सबसे पहला क्या होता है हमारा स्टेप स्विंग्स में, टू क्रिएट अ फ्रेम. क्या स्टेप होता है, टू क्रिएट अ फ्रेम. सो लेट्स से मैंने एक फ्रेम ले लिया, जे फ्रेम फ्रेम. सही है. अब इसके अंदर मेरे को कुछ है ना वो भी चाहिए, टेक्स्ट फील्ड्स. टेक्स्ट फील्ड किससे लूँगा मैं, इससे यहाँ पे तीन टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, एक यूज़र से इनपुट कराने के लिए, दूसरी वैल्यू यूज़र से इनपुट कराने के लिए और थर्ड में रिजल्ट दिखाने के लिए. मीन्स समवट लाइक दिस. जो एक टेक्स्ट फील्ड में लूंगा इसमें यूजर वैल्यू वन डालेगा, नंबर वन डालेगा, दूसरे में यूजर नंबर टू डालेगा और थर्ड वाले टेक्स्ट एरिया में मैं यूजर को दिखा दूंगा रिजल्ट. सही. और यहाँ पर मैं दो बटन्स भी लगाऊंगा, एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए, कि इस पर क्लिक करके जैसे यूजर वन और टू बटन डालेगा इस पर क्लिक करके यहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ टेक्स्ट फील्ड. और यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड हो गया थे जी टेक्स्ट जे टेक्स्ट फील्ड. अब मैं इसके नाम बनाता हूँ, इंस्टेंस बनाता हूँ. मैंने नाम दे दिया TF1, TF2 और TF3. अब मेरे को दो बटन्स लेने हैं सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए. सो मैंने बनाया जे बटन BT1 और BT. ये जो कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं या जो इंस्टेंस मैंने बनाया अभी तक समझ में आए क्यों लिए. सो नाउ अब मैं आता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में. द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ फ्रेम. सो इंस्टेंस बना लेते हैं फ्रेम का. फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम. इस फ्रेम की डेफिनेशन मैंने यहाँ बता दी कि इट इज ऑफ टाइप जे फ्रेम. तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेम बना दिया. ऐसे ही आपको इसका भी इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे और इसके भी इंस्टेंस बनाने पड़ेंगे. तो लेट्स से बना लेते हैं वो. TF1 इज इक्वल टू न्यू
जे टेक्स्ट फील्ड क्या है ये, एक न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ऐसे टीएफ टू का बनाऊंगा और ऐसे मैं टीएफ थ्री का भी बनाऊंगा इंस्टेंस। अंडरस्टूड? सो लेट्स से सबसे पहले मैं ऐसा क्या करता हूँ, एक बाउंड सेट कर देता हूँ कि टेक्स्ट फील्ड मेरा फ्रेम पे कहाँ पर बना हुआ आएगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा टी एफ वन, मैथड में कौन सा यूज करूंगा दिस टाइम, सेट बाउंड्स। ओके, इट इज गोइंग टू टेक फोर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम मी, लेट्स से एक्स रेडियस। हाँ, कि मतलब टेक्स्ट फील्ड आपको सेट कहाँ पर करना है फ्रेम में। मैंने आपको बता दी कि ये इसका एक्स रेडियस, वाई रेडियस, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट रहेगी। सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ टी एफ टू, तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। नाउ टी एफ टू का भी मैंने एक इंस्टेंस बना लिया और टी एफ टू का ही बाउंड सेट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको 100 कर देते हैं और इसकी विड्थ और हाइट में इतनी रहने देता हूँ ताकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है 50 और 120 जैसा। विड्थ और हाइट में इनकी सेम रख रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ टी एफ थ्री एज वेल, कि आप टी एफ थ्री का भी आप एक इंस्टेंस बनाओगे। सो लेट्स से मैंने लिखा टी एफ थ्री और इसका ही मैंने बाउंड सेट कर दिया। लेट्स से इसका मैं हाइट एंड विड्थ वगैरह एक बार देता हूँ, चलो 50 ही रहने देते हैं, इसको मैं 150 कर देता हूँ। इसकी हाइट और विड्थ में सेम रख रहा हूँ। सो अभी तक क्या हुआ, एक फ्रेम का इंस्टेंस बन गया, टेक्स्ट फील्ड्स का इंस्टेंस बन गया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ माय बटन्स। ओके, सो BT1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन। अब यहाँ पर आप दे दो अपने बटन का नेम, मैंने अपने बटन का नेम क्या दे दिया, प्लस साइन, और यू कैन सिंपली राइट अ टेक्स्ट ऐड, जो भी आपको अपने बटन का नेम देना है। मैंने क्या नाम दिया इसका बटन का, प्लस। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ, चलो मैं पहले इसका बाउंस भी सेट कर दूं, BT1.setBounce। लेट्स से इसके मैंने बाउंस सेट कर दिया 50, 200, हाइट विड्थ मैंने 50.50 दे दी बटन की। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द बाउंस फॉर सेकेंड बटन, तो एक बार इसी को कॉपी कर लेते सिंपल। BT2 और दिस टाइम द नेम ऑफ माई बटन इज माइनस, इस टाइम मैंने अपने बटन का नाम क्या दे दिया, माइनस। इसके भी लेट से बाउंस करता हूँ 120 by 250.50। ऐसा समझ में आया आपको? अभी मैं डिज़ाइन किस तरीके से कर रहा हूँ देखना एक बार। यहाँ पर मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा, लेट से यूज़र ने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 10 और यूज़र ने यहाँ पर वैल्यू डाल दी लेट से 20। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट वाला एरिया ना, दिस टेक्स्ट फील्ड विल नाउ बिकम एन एडिटेबल, कि अगर इसके अंदर यूज़र कोई वैल्यू इंसर्ट कराने की कोशिश करे तो वो ना करा पाए। भाई ये मेरे लिए एक रिजर्व्ड है कि इसमें मेरे को रिजल्ट दिखाना है, तो ये अनएडिटेबल एक एरिया होना चाहिए कि इसको है ना मेरा कोई भी यूज़र एडिट ना कर पाए। तो फॉर दैट आई हैव अ मेथड। पहली बात तो ये जो मेरा मेथड है ये है TF3, टेक्स्ट फील्ड 3 है, तो मैं यहाँ पर एक करता हूँ TF3.setEditable, और आप इसको एक बूलियन वैल्यू दे सकते हो, आइदर ट्रू और अ फॉल्स। ट्रू मीन्स इट इज एडिटेबल बाय डिफॉल्ट, मैंने इसको दे दिया फॉल्स। अब यूजर मेरे टेक्स्ट फील्ड 3 को एडिट नहीं कर पाए। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग आई वांट टू परफॉर्म ऑन दीज टू बटन्स, प्लस एंड माइनस। सो विद द हेल्प ऑफ एड एक्शन लिस्नर आई कैन मेक अ यूज और आई कैन सेट इवेंट हैंडलिंग ऑन दीज बटन्स। लेट्स से मैंने लिखा BT1.addActionListener। ओके, हियर यू हैव टू पास द करंट कॉन्टेक्स्ट दिस कीवर्ड।
दिस कीवर्ड क्या करता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द करंट कॉन्टेक्स्ट कि आपको ये जो बी टी वन पे है, बी टी वन पे जो आप एक्शन इसमें लगा रहे हो, ये बी टी वन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इट इज एग्जिस्ट विद इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, ऐसे मेरे को बटन टू पे भी एड एक्शन इसमें लगा है, सो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा बी टी टू डॉट एड एक्शन लिसनर पास हियर दिस। अभी दिस कीवर्ड जब आएगा तो मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा, अभी समझ लो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट करंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो बेसिकली एक्शन लिसनर क्या है, एक्शन लिसनर इज एन इंटरफेस। एक्शन लिसनर इज व्हाट, इट इज एन इंटरफेस। ओके, सो इन ऑर्डर टू वर्क विद एन इंटरफेस यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ कीवर्ड कॉल्ड एज इम्प्लीमेंट्स। किसको इम्प्लीमेंट कर, एक्शन लिसनर को। जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, यहाँ पर एक एरर आ गया होगा, मीन्स कि एक्शन लिसनर का एक मेथड होता है मैंडेटरी, और उस मेथड का नाम मैंने क्या बताया था, वॉइड एक्शन परफॉर्म, दैट मेथड इज मिसिंग। सो आप सिंपल इस क्लास पे लेके जाओ, ऑल्ट एंटर प्रेस करना, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मैथड, किस पे क्लिक करोगे, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मैथड, और जैसे उस पर क्लिक करोगे नीचे हमारा एक मैथड बन गया होगा पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। तो लेट्स से ये लाइन में भी हटाया था, अभी इस पर हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मेरा एक मैथड बन के आ गया पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। ये मैथड कब बन गया है, बिकॉज इन दिस क्लास आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट सेक्शन लिसनर, means in this class I want to perform an action event or event handling. तो ये कीवर्ड जैसे ही मैंने लगाया, इसका एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है एक्शन परफॉर्म, वो मैंने इनहेरिट करा दिया। सो ऑन दिस फ्रेम आई वॉन्ट टू एड माई टेक्स्ट फील्ड, आई वॉन्ट टू एड माई बटन्स। सो वो किस तरीके से आप करोगे, फ्रेम डॉट एड, फ्रेम डॉट एड, किसको ऐड कराना है, टी एफ वन को। ऐसे मेरे को किसको ऐड कराना है, टी एफ टू को, टी एफ थ्री को, बी टी वन को, बी टी टू को। सो इसको काफ़ी बार कॉल कराना पड़ेगा, इस मेथड को काफ़ी बार यूज करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर हो जाएगा मेरा टी एफ टू को भी मैंने ऐड करा दिया, टी एफ थ्री को भी ऐड करा दिया, बी टी वन को भी ऐड करा दिया और बी टी टू को भी ऐड करा दिया, इसको मैं हटा दूँ। सही है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ साइज ऑफ माई फ्रेम, इसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी, लिखा फ्रेम डॉट सेट साइज, हाइट और विड्थ मैंने दे दी, लेट्स से मैंने इसकी हाइट और विड्थ रख दी 300x300 या 500x500 अकॉर्डिंग टू एज पर यू नीड, आप इसको कर देना इसकी हाइट और विड्थ सेट। द नेक्स्ट दो मैंडेटरी पैरामीटर बताते हैं, सेट लेआउट और विजिबिलिटी। सो लेट्स से फ्रेम डॉट सेट लेआउट, मैंने इसको भी कर दिया नल, अभी मेरे को कोई लेआउट में वर्क नहीं करना, और इसकी विजिबिलिटी मैं कर देता हूँ ट्रू, सेट विजिबल। इतनी मेरी डेफिनेशन हम हो गई। अब मैंने ये बताया था कि एक्शन लिसनर, अभी तक आपने है ना एक्शन लिसनर स्पेसिफाई करके यहाँ पर ये बताया है कि इन दीज टू बटन्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एनी एक्शन। अब एक्शन की कोडिंग हम कहाँ पर करेंगे, इवेंट हैंडलर में, और वो एक्शन की कोडिंग मेरी कहाँ पर होगी, विद इन दिस वॉइड एक्शन परफॉर्म मैथड। अब कोडिंग करें इसकी स्टार्ट। सो बेसिकली इन दिस प्रोग्राम वट वी आर एक्चुअली डूइंग कि यहाँ पे यूजर एक वैल्यू डालेगा और इस वाले टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डालेगा यूजर, और इस बटन में क्लिक करके मेरे को इन दोनों का ना एडिशन दिखाना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू फैच दीज वैल्यू कि यार यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो एक्चुअली में डाल क्या रहा है। हियर वी हैव टू फैच दैट वैल्यू, इन ऑर्डर टू फैच दैट वैल्यू वी हैव अ मैथड कॉल्ड गेट टेक्स्ट। क्या है उस मैथड का नाम, गेट टेक्स्ट, बिकॉज यू वॉन्ट टू फैच वैल्यू, आपको क्या पता कि यार यूजर ने यहाँ पर क्या वैल्यू डाली।
In order to fetch this value, we have a method called getText. So let's say यहाँ पर मैं एक में है ना, देखो उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो कि टेक्स्ट फील्ड आपकी जो भी वैल्यू लेता है, जो भी, वो कैसे लेता है, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग. सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ. यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू टी एफ वन डॉट गेट टेक्स्ट. भाई टेक्स्ट फील्ड वन में जो भी टेक्स्ट है वो फैच करके किसमें स्टोर करा दे, इस स्ट्रिंग एस वन वाले वेरिएबल में. यहाँ पर समझ आया कोई इशू? सेम मेरे को टी एफ टू की भी वैल्यू चाहिए. सो मैंने एक और वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग एस टू इज इक्वल टू टी एफ टू डॉट गेट टेक्स्ट. अब मेरे ये वाले वेरिएबल्स एस वन और एस टू हो गए पॉपुलेट. ओके, बट अगर ये इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे 10 को 20 को, तो स्ट्रिंग में कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हो भाई? आपको फाइनल इसको कन्वर्ट किस में कराना है, इनटू अ इंटीजर. सो हियर आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग क्या होता है कि मींस चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. किसी का डेटा टाइप किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, वो बहुत सिंपल होता है. एक लाइन बस आपको लिखनी है. सबसे पहले मैं करता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर इंटीजर टाइप का. किस टाइप को बनाऊंगा? एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा मेरे को. सेलेक्ट से मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर ए. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग एस वन की वैल्यू है ये मेरे इस इंटीजर वाले में आ जाए. अगर मैं यहाँ पर करूँ डायरेक्ट एस वन तो एरर आएगा, यू कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर. अगर आप इस पर कर्सर लेके जाओ, चलो ये भी मैंने लगा दिया, स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट. ओके, बट आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इंट. सो मैं क्या करूँगा, टाइप कास्टिंग परफॉर्म करूँगा. टाइप कास्टिंग परफॉर्म कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स इंट. और यहाँ पर आप कर दो किस को आपको पार्स कराना है, एस वन को. किस में पार्स कराना है? इंटीजर. अंडरस्टूड? सिंपल. अब ऐसे मैं एक इंटीजर बी ले लेता हूँ और उसे भी ये कराता हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट किसको, एस टू. अब मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर सी और इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ जीरो के साथ. ये इसको रिजल्ट ले लेते जो है ना, वो आप एस पर यू नहीं ले सकते. अब एक और सिनेरियो में हम फंसेंगे. ये वाला बटन कौन सा होगा मेरा? प्लस का. और ये वाला कौन सा होगा मेरा? माइनस का. तो अब आपको यूजर को ये बताना पड़ेगा कि अगर यूजर मेरे प्लस पे क्लिक करेगा तो प्लस वाला एग्जीक्यूट हो कोडिंग एडिशन, और सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करे तो कौन सी वाली कोडिंग हो? सब्ट्रैक्शन वाली. अब यहाँ पर देखते हैं. सो लेट्स से अब मेरे को है ना इसकी वैल्यू फैच कराना है यूजर से कि एक्चुअली मेरे को क्या मिल रहा है. ठीक है, मैंने बताया था कि दो होते हैं, एक सोर्स और एक लिसनर. दिस इज माई सोर्स. तो यहाँ पर एक मैथड होता है, विद दैट मैथड यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके यूजर ने अभी किसको क्लिक किया है. तो मैं एक यूज कर रहा हूँ इफ का, इफ, और मैं ले रखता हूँ यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको दिख रहा है ई, यहाँ पर देखना इफ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बी टी वन. कि अगर यूजर बी टी वन पे क्लिक करे मीन्स तो हम आपको क्या लगाना पड़ेगा, ई डॉट गेट सोर्स. दिस ई इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस एक्शन इवेंट. मतलब एक्शन इवेंट किस पे लगा हुआ है? आपके बटन्स पे लगा हुआ है. तो ये ई कॉल करेगा किसको? बी टी वन को और बी टी टू को, विद द हेल्प ऑफ व्हाट मेथड? विद द हेल्प ऑफ दिस गेट सोर्स मेथड. कि अगर यूजर ने बी टी वन क्लिक किया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट है, अगर बी टी टू किया तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट है. समझे? सो लेट्स से अगर यूजर ने बी टी वन पे क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. एल्स इफ अगर यूजर ने किसको सो किया सिलेक्ट, ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बी टी टू, तो मैं कर दूंगा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी. अब ये जो सी की वैल्यू है ये वो किस में दिखानी है? टेक्स्ट फील्ड थ्री में.
बट ये जो टेक्स्ट फील्ड है भाई ये तो स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है और यहाँ पर मैंने इंटीजर बना रखा है, देन आई हैव टू अगेन कन्वर्ट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग। सही है, समझ में आया क्या करना पड़ेगा आपको? रिजल्ट इस बारे टेक्स्ट फील्ड में दिखाना है, दिस टेक्स्ट फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू, बट आपने यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है आपकी? इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, सी इज योर इंटीजर। सो यहाँ पर एक और कन्वर्ट करा लेते हैं, एक मैं स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को नाम मैंने दे दिया रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं करता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड, यहाँ पर वो देख रहे हैं स्ट्रिंग डॉट दिस वैल्यू ऑफ मेथड विल यूज टू गेट द वैल्यू। क्या करेगा ये वैल्यू ऑफ मेथड? एक वैल्यू लेकर आएगा और उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करा देगा बाद में? स्ट्रिंग में। सो दिस वैल्यू ऑफ मेथड क्या करेगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दे देगा एंड दैट वैल्यू आई हैव कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, और उसको मैंने किस में सेव करा दिया? एक स्ट्रिंग वेरिएबल में, विच इज ऑफ टाइप, क्या नाम है उस वेरिएबल का? रिजल्ट। यहाँ पर हमने यूज किया गेट टेक्स्ट का टू फैच एन इनपुट फ्रॉम यूजर, नाउ वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड एज सेट टेक्स्ट, जो क्या करेगा आपको टेक्स्ट को कर देगा सेट। किसको सेट करना है? टी एफ थ्री डॉट सेट टेक्स्ट, और क्या इसके अंदर वैल्यू आ जाए मेरी? ये रिजल्ट वाली वैल्यू हो के जाए सेट। मैंने यहाँ पर कर दिया रिजल्ट, इसको कर दिया मैंने सेव। नाउ लेट्स स्विच बैक टू अवर मेन मेथड। इस मेन मेथड में आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन से का? स्विंग ईवी के नाम से। सो लेट्स से इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा स्विंग ईवी, मतलब स्विंग इवेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू स्विंग ईवी। सो एज सून एज माई ऑब्जेक्ट विल क्रिएट, माई कंस्ट्रक्टर विल गेट इनवोक। इसको करते हैं बस से और देख लेते हैं, नहीं यार अभी तो फिलहाल नहीं, रन करने के बाद ही बताएंगे। स्विंग्स ईवी डॉट जावा, इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। ये आपने अनएडिटेबल बनाया था, अनएडिटेबल बन गया। अब वैल्यू डलवाते, मैंने बहुत छोटी हाइट एंड विड्थ लेनी, थोड़ी ज़्यादा लेना। मैंने पहली वैल्यू डलवाई सुबह प्लस 23, अगर मैं करूँगा प्लस पे क्लिक 135, अगर करूँगा माइनस पे क्लिक 18। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इवेंट हैंडलिंग यूजिंग स्विंग्स।